राइफल मैन विजय कुमार, मैं जय भारत एक्सपीडिशन हो रहा है, इसमें हम लोग हमारे साथ एक अफसर, दो एक जेसीओ, एक ओआर थे, जिसमें मेजर अनुराग साहब और नायब सूबेदार नवीन कुमार और राइफलमैन विजय कुमार, जो कि इस बैलून को आगरा से टेकअप करके इस जगह पे लैंड किया हुआ है, और इसमें हमारे से कम 3.5 घंटे की फ़्लाइट की है, जिसमें पायलट तीनों के तीनों ने पायलट की का काम किया है, को पायलट दोनों का काम किया है, इसमें हमारी से कोई किसी की चोट, कोई किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ है, सेफ लैंडिंग। और हम यहाँ पे उतरने के बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो जवान जहाँ पे मतलब कि एक अच्छे पढ़ाई लिखी कर रहे हैं, जिनको गाइडलाइंस नहीं है, तो वो हमारे मेजर अनुराग साहब से मिला सकते हैं और उसके बाद वो बातचीत कर सकते हैं। कहाँ से चले? हम आगरा से चले थे। कहाँ जाना था? ग्वालियर में जाना था, तो ग्वालियर में इससे पहले भी आपने बैलून से यात्रा की? हाँ, जम्मू से हमने स्टार्ट की हुई है। हाँ। जम्मू से हमने टिबड़ी से टेकअप किया था। हाँ। टिबड़ी से हमने जलंधर के लिए, जलंधर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हमने दिल्ली के लिए, और दिल्ली से हम ये जो कि आगरा, और आगरा से हम ये लैंड किया है। अभी हमारा कोई इसमें ऐसा कोई नुकसान वगैरह कोई कुछ नहीं हुआ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कर्नल विवेक अहलावत है, और हम लोग एक कश्मीर से कन्याकुमारी पे भारतीय सेना के हॉट एयर बलूनिंग अभियान पे चल रहे हैं, जिसका उद्देश्य है नौजवानों से जुड़ना और उन्हें प्रेरित करना भारतीय सेना में ज्वाइन करने के लिए और अपने सपनों को जीने के लिए। दूसरा, हम जो इससे संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, और अपने अमर वीर बलिदानियों को याद करके श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। तो जगह जगह जहाँ भी हम रुक रहे हैं, जहाँ पे हमारे को शहीद स्मारक मिलते हैं, जैसे इस गांव में मिले, तो वहाँ पे आके अपना शीश नवाते हैं। अभी हम लोग आगरा से आ रहे हैं, शुरू हमने 6 नवंबर को किया था जम्मू से, इस तरह से रुकते रुकते हम चल रहे हैं। अगला पड़ाव हमारा ग्वालियर है, क्योंकि हवा का गुब्बारा में कोई दिशा नियंत्रक नहीं होता, इसमें कोई स्टीयरिंग नहीं होता, तो ये हवा की गति से ही चलता है, बस हमें दिशा निर्धारण करनी पड़ती है अपना हाइट को बढ़ा के या घटा के गुब्बारे की। जैसे ज़मीन पे हवा किसी दिशा में और किसी रफ्तार पे चलती है, उसके ऊपर जाएं तो उसकी रफ्तार कुछ अलग होती है, दिशा भी कुछ अलग होती है। जैसे आज हम 5000 फीट पे जब उड़ रहे थे, तो हमारे को हवाओं की दिशा लगभग 112 डिग्री पे मिल रही थी, और हमारी रफ्तार लगभग 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब हम ज़मीन पर आए तो हमारी रफ्तार लगभग 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब हम नीचे आए, हमने देखा आप काफ़ी धूप होने लगी, क्योंकि जब धूप हो जाती है तो आप देखते होंगे चीलें ऊपर उड़ती हैं, वो थर्मल्स बनती हैं, उससे क्या होता है, या तो गुब्बारा ऊपर उठेगा या नीचे दबेगा, तो उसे उतारने में थोड़ा सा पायलट को एक्सपर्ट होना पड़ता है। हमारे साथ ये हॉट एयर बलून के सारे जो टीम है, इसमें सभी लोग ट्रेंड हॉट एयर बलून पायलट हैं, मैं इन सबका इंस्ट्रक्टर भी हूँ, और लगभग 300 घंटे फ्लाइंग का तजुर्बा है मेरा। तो यहाँ हमने एक खाली खेत देखा, जहाँ पे एक आपके गांव के सदस्य चला रहे थे, तो हमने उनसे दूर से ही कहा कि आप ट्रैक्टर थोड़ा दूर हटा लीजिए, क्योंकि हम यहाँ उतार लें, खाली खेत है, क्योंकि हम लोग भी सब घर के किसान ही हैं, तो हमें पता है कि भाई फसल का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो हमने खाली खेत में अपना गुब्बारा उतारा। सभी गांव वाले पहुंचे, बड़ा अच्छा लगा, बच्चों के साथ मिले, उन्हें टॉफियां बांटी, फिर पता चला कि गांव में एक शहीद स्मारक है, तो यहां अपना शीश नवाए बिना तो हम कैसे जा सकते।